हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट, विच इज टंग, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर। तो टंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी ए मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज टंग। तो यहाँ पर क्या बताया गया, हमारे पास ओरल कैविटी के फ्लोर के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, टंग बोला जाता है। मतलब टंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मसल्स प्रेजेंट होती है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री वाइल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द हायोइड बोन। टंग का जो आगे वाला हिस्सा होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो फ्री होता है, जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि उसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो एक बोन से कनेक्ट होता होता है, जिस बोन को हायोइड बोन बोला जाता है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी थ्रू ए वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम लिंगवा। तो देखो बच्चों, टंग का वो हमारा सरफेस, जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो जो सरफेस आपको दिखता है सामने वाला, वो कौन सा सरफेस हो गया, वो तो डोर्सल सरफेस हो गया। लेकिन अगर आप अपनी टंग को ऊपर लिफ्ट करोगे तो नीचे वाला जो एरिया आपको दिखेगा उसको वेंट्रल सरफेस बोला जाता है। और वो वेंट्रल सरफेस ही किसके साथ कनेक्टेड होता है, ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है। तो आपको एक पतली सी मेम्ब्रेन दिखेगी जो टंग को ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट करती है। That flexible membrane is called as frenulum lingua. उसको frenulum lingua बोला जाता है। अब बच्चों, टंग का ये डायग्राम देखो आप लोग। पहले टंग का ये डायग्राम है हमारे पास। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट, जिसको ओरल पार्ट बोलेंगे, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है, फेरिंजियल पार्ट बोला जाता है। नाउ टंग इज डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला गया, सल्कस टर्मिनालिस। तो यहां पर देखो, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, जो आपको दिखता है डोर्सल सरफेस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट। देखो, दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड है बाय ए वी शेप्ड सल्कस कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। तो इस वी शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला बच्चों, सल्कस टर्मिनालिस बोला, जिसने एक पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको बोला फेरिंजियल पार्ट, और एंटीरियर 70% पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जिसको बोला ओरल पार्ट। अब देखो, हमारे पास जहां पर सल्कस टर्मिनालिस की टिप प्रेजेंट होती है वी शेप पार्ट की, उस टिप पर एक पिट प्रेजेंट होता है, छोटा सा गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है फोरामेन सीकम। नेक्स्ट, हमारे पास फेरिंजियल पार्ट के अंदर ये कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इस टाइप से मैंने ड्रॉ किए। इन टॉन्सिल्स को बोला जाता है बच्चों लिंगुअल टॉन्सिल। तो फेरिंजियल पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ द ओरल पार्ट कंसिस्ट द पैपिले। पैपिले क्या होता है, ये कुछ उठे हुए रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास टेस्ट बड्स लोकेटेड होते हैं। तो ये पैपिले अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सल्कस टर्मिनालिस के पास लार्जेस्ट पैपिले प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर और लार्जेस्ट, जिनको बोला गया सरकम वैलेट पैपिले। सरकम वैलेट पैपिले लार्जेस्ट होते हैं और सल्कस टर्मिनालिस के पास लोकेटेड होते हैं। देन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग, यहां पर कुछ लीफ जैसे पैपिले आपको दिखेंगे, इनको बोला जाता है फोलिएट पैपिले। आगे मैं बताऊंगा कि ये ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल होते हैं। देन हमारे टंग के पूरे सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे वी शेप्ड पैपिले आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको बोला जाता है फिलीफॉर्म। पूरे टंग को फिल करके रखते हैं, इसलिए बोला गया फिलीफॉर्म। देन ऑन द एंटीरियर सरफेस कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जिनको बोला जाता है फिलीफॉर्म पैपिले। ये एंटीरियर पार्ट पर कुछ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बाकी टंग के सरफेस पर भी मिल सकते हैं। अगर आप अपनी टंग को मिरर के अंदर देखोगे तो एंटीरियर वाले पार्ट पर इन राउंडेड पैपिले को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको फंगीफॉर्म पैपिले बोला जाता है। तो चलिए इन पैपिले को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला बच्चों हमारे पास है, देखो, थ्री टाइप ऑफ फंक्शनल पैपिले आर प्रेजेंट। देखो मैंने बोला फंक्शनल पैपिले जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, बाकी चौथा भी होता है, वो नॉन फंक्शनल होता है, वो हम देखेंगे। आर फाउंड इन दिस पार्ट विच आर गस्टेटरी और टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, गस्टेटरी या टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। तो पहला हमारे पास है बच्चों फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले क्या होते हैं, अगर डायग्राम में देखो तो इन वाले पैपिले को फंगीफॉर्म बोला गया है, जो मैंने एंटीरियर पे ज्यादा बताए थे। तो क्या है, इट इज पिंक कलर्ड, पिंक कलर होते हैं,
स्मॉल स्फेरिकल इन शेप, स्मॉल है स्फेरिकल है शेप के अंदर, इट इज फाउंड ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, सारे सरफेस पर मिलते हैं, बट मोस्टली प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ज्यादातर ये एंटीरियर पार्ट पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट इज अटैच्ड टू द टंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पेडिकल, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है एक छोटे से पेडिकल के साथ ये टंग के सरफेस पर अटैच होते हैं। इट प्रोवाइड्स पिंक कलर टू द टंग, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों, ये पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे टंग को। सेकंड वी हैव फिलीफॉर्म पेपिले, अगर डायग्राम में देखोगे तो इन वाले पेपिले को मैंने फिलीफॉर्म बोला, तो फिलीफॉर्म पेपिले क्या है बच्चों, दे आर थ्रेड लाइक व्हाइट कलर्ड एंड कॉनिकल इन शेप, थ्रेड जैसे होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं, कॉनिकल इन शेप होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, टंग के पूरे सरफेस पर मिलते हैं। दे आर मोस्ट न्यूमरस, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, बट डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। थर्ड वी हैव सर्कम वैलेट पैपिले, ये जो जिनको मैंने लार्जेस्ट पैपिले बोला था अब उनकी बात कर रहे हैं, सर्कम वैलेट पैपिले। सो देखो क्या, इट इज द लार्जेस्ट एंड लीस्ट एग्जिस्टेड पैपिले, इनका नंबर कितना होता है, 8 से 12, सबसे कम नंबर में होते हैं और सबसे बड़े होते हैं ये। दे आर लार्ज स्फेरिकल शेप पैपिले विच आर फाउंड नियर द सल्कस टर्मिनलिस, कहां पर मिलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस के पास मिलते हैं। बाकी बचा कौन सा बच्चों, फोलिएट पैपिले, ये ह्यूमन के अंदर होते हैं, वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल होते हैं, तो किसके अंदर काम करते हैं ये, हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर इनका फंक्शन होता है, ग्रासेस के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बच्चों, फंक्शन क्या होते हैं टीथ के हमारे पास, तो देखो टीथ का फंक्शन क्या था, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को रिसीव करना। टेस्ट बर्ड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथीलियम, जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है बच्चों वो मॉडिफिकेशन होती है किस चीज की, एपिथीलियल टिश्यू की, एपिथीलियम की मॉडिफिकेशन होती है। तो दैट्स इट, ये वाला पार्ट था हमारे पास अबाउट द टंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट बच्चों, वी हैव टीथ, तो टीथ भी हमारे पास कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, अगर टीथ का हम ओरिजिन देखें तो एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट होते हैं और मीजोडर्म लेयर से भी ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए क्या बोला गया, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। इन ह्यूमन टीथ आर अटैच्ड टू द मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन, सो मैक्सिला होता है हमारे पास अपर जो एंड मैंडिबल होता है हमारे पास लोअर जो, तो मैक्सिला और मैंडिबल बोन के साथ अटैच्ड होते हैं हमारे टीथ। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, अगर टीथ का हम बच्चों स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, सो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो पहले बच्चों स्ट्रक्चर ही हम स्टडी करते हैं। सो टीथ का अगर हम पार्ट देखें तो तीन पार्ट कौन कौन से होने वाले हैं, आउटर पार्ट जो हमें अपीयर होता है उसको बोला जाता है क्राउन, सेकेंड पार्ट जो गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है उस पार्ट को बोला जाता है नेक, एंड थर्ड पार्ट जो कहां पर, जो बोन के अंदर एम्बेडेड होता है उसको बोला जाता है रूट। सो टीथ के तीन पार्ट हुए, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वाला वो पार्ट है जो टीथ का हमें बाहर से दिखता है, आउटर अपीयरेंस जो जिसकी होती है व्हाइट कलर का जो हमें दिखता है उसको क्राउन बोला, जो गम्स के अंदर एम्बेडेड है ये वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं नेक, और जो अंदर होता है बोन के अंदर उसको बोलते हैं हम क्या रूट। तो देखो सबसे बाहर जो आपको व्हाइट कलर की लेयर दिखती है भाई टीथ के ऊपर, उस लेयर को क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। आफ्टर इनेमल टीथ के अंदर हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, उसको डेंटाइन बोला गया। आफ्टर डेंटाइन के अंदर यहां पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है बच्चों, इस कैविटी को बोला जाता है पल्प कैविटी, क्या बोला गया, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर ही आपको दिखेंगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर, जो किसके अंदर आते हैं, इस पल्प कैविटी के अंदर आते हैं। अब इस पल्प कैविटी में एंटर कहां से करते हैं, सो टीथ के लास्ट वाले स्ट्रक्चर में यहां पर एक होल प्रेजेंट होता है जिसको एपिकल फोरामेन बोला जाता है, या सिंपली फोरामेन भी बोल सकते हो। इस फोरामेन के थ्रू ही सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर एंटर करते हैं और कहां पर आते हैं, पल्प कैविटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो हमारे पास सीमेंटम, सीमेंटम क्या होता है, उससे पहले ये समझो हमारे पास ये गम्स प्रेजेंट है और चारों तरफ ये जो आपको बोन दिख रही है ये बोन कौन से बच्चों, जॉ बोन है, जॉ बोन को एल्वियोलाई भी बोला जा सकता है। तो जॉ बोन
और टीथ को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको सीमेंटम बोला जाता है। सिंपली सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों को अटैच करवा रहा है। प्लस कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो जॉ बोन और टीथ को अटैच करवाते हैं, जिनको बोला जाता है पेरीओडोंटल लिगामेंट। प्लस यहाँ पर लेटरल कैनाल्स भी प्रेजेंट होती है, और ये वाला वो पार्ट है जहां से सारे ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर एंटर कर रहे हैं। तो चलो अब थ्योरेटिकली देखते हैं। सो टीथ इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वी हैव क्राउन, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ एक्सपोज्ड आउटसाइड द गम्स। गम्स के बाहर जो पार्ट हमें दिख रहा है उसको क्राउन बोला। नेक, इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ व्हिच इज एम्बेडेड इनसाइड द गम्स, जो गम्स के अंदर एम्बेडेड है उसको नेक बोला। रूट, इट इज द पार्ट ऑफ द टूथ That is inserted inside the socket of jawbone, और jawbone के लिए क्या word use कर सकते हैं? Alveoli भी कर सकते हैं। तो jawbone के अंदर जो part inserted होता है उसको क्या बोला बच्चों? Root बोला गया। चलिए अब देखो, the crown part of the tooth is covered with very hard substance called as enamel. So भाई जो crown है, सबसे hard substance हमारे body का जो होता है वो enamel होता है, उससे covered होता है। So, enamel के बारे में पॉइंट देखो, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन ऑल एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल है उन सबके अंदर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको मिल सकता है वो इनेमल ही होता है। इनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है। इट इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स, अमीलोब्लास्ट सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं ऑफ द एक्टोडर्म। तो अमीलोब्लास्ट सेल का ओरिजिन भी क्या है? एक्टोडर्म। तो अब आप रिलेट कर सकते हो, अगर इनको बनाने वाले सेल्स का ओरिजिन ही एक्टोडर्म है तो हमारे पास जो ये लेयर है इनेमल, जो सब्सटेंस है इनेमल, उसका भी ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्म ही होगा। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट अबाउट 96% आर मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। तो मतलब टीथ के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्ट जो मिलता है कैल्शियम का बच्चों, वो कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। 3% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द इनेमल, इनेमल के अंदर वाटर भी होता है बट कितना? ओनली 3%। अलोंग विद अमीलोजेनिन इनेमलिन प्रोटीन 1% आर आल्सो फाउंड इन द इनेमल। सो इनेमल के अंदर बच्चों और क्या क्या मिलता है? अमीलोजेनिन भी मिलता है, इनेमलिन प्रोटीन भी मिलती है, जिसकी अमाउंट कितनी होती है? 1%। ओसिन इज ए पार्ट ऑफ बोन। अब ओसिन एक भाई प्रोटीन होती है जो बोन्स के अंदर मिलती है, लेकिन टीथ के अंदर कौन सी मिलती है? इनेमलिन। तो कंफ्यूज मत होना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टीथ डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। तो इनेमल को छोड़ के जो भी पार्ट बच गया वो कहां से डेवलप होता है बच्चों? मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से ही डेवलप होता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, हमारे पास होता है डेंटाइन। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का मेन पार्ट यही होता है जो इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। डेंटाइन सराउंड्स ए कैविटी कॉल्ड एज पल्प कैविटी। अभी हमने डायग्राम में देखा था, ये डायग्राम था, ये कैविटी प्रेजेंट है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी के चारों तरफ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, इसी को डेंटाइन बोला जाता है। सो एट द बेस ऑफ पल्प कैविटी एन अपर्चर इज प्रेजेंट, अपर्चर आ गया। थ्रू दिस अपर्चर ब्लड कैपिलरीज नर्व फाइबर्स एंटर इनसाइड द टीथ। दिस अपर्चर इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन। तो भाई ये इस अपर्चर की बात करें, अगर आप डायग्राम में देखोगे, दिस अपर्चर फ्रॉम वेयर ब्लड वेसल नर्व फाइबर एंड द लिम्फ वेसल्स आर एंटरिंग इनसाइड द टीथ। तो इसको बोला क्या? एपिकल फोरामेन। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी कॉल्ड एज ओडोंटोब्लास्ट। तो पल्प कैविटी के चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ओडोंटोब्लास्ट बोला जाता है। दीज सेल्स आर डेंटाइन सिक्रीटिंग सेल्स। तो भाई डेंटाइन को सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल होते हैं जो पल्प कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। फोर टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन द मैमल्स। मैमल्स में बच्चों चार तरह के टीथ मिलते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं? इंसीजर। दीज आर लॉन्ग चिजल लाइक टीथ फॉर नोइंग द फूड, फॉर नोइंग द फूड, फॉर नोइंग, GNAWNING, नोइंग। नोइंग का मतलब क्या होता है? फूड को चबाना। चिजल लाइक क्या होते हैं? शार्प ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। तो ये लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, जिनका काम क्या होता है? नोइंग द फूड, फूड को चबाना। सेकेंड वी हैव कैनाइंस। दीज आर शार्प पॉइंटेड टीथ, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, विच आर मेंट फॉर टीयरिंग एंड श्रेडिंग द फूड। फूड को भाई चीरने फाड़ने के काम में लिए जाते हैं। कैनाइंस आर एबसेंट इन हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस के अंदर एब्सेंट होते हैं।
रैबिट डू नॉट हैव कैनाइंस, तो हर्बीवोरस का एग्जाम्पल रैबिट है, रैबिट के अंदर कैनाइंस नहीं होते। इन हर्बीवोरस द स्पेस ऑफ कैनाइन इन द गम्स इज एम्प्टी। अब देखो बच्चों, अगर कैनाइंस ही प्रेजेंट नहीं है तो कैनाइन वाला स्पेस तो एम्प्टी हो जाएगा, एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज, एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज डायस्टीमा, उसको डायस्टीमा बोला जाता है। तो रैबिट के अंदर टीथ के दोनों साइड जो आपको स्पेस देखने को मिलता है उसको डायस्टीमा बोला जाता है। थर्ड वी हैव प्रीमोलर्स, दीज आर मेंट फॉर चूइंग एंड क्रशिंग दी फूड। इनका मेन काम भाई फूड को चबाना और क्रश करना होता है। दे आर ट्राइंगुलर शेप, ये ट्राइंगुलर शेप्ड होते हैं। मोलार टीथ, मोलार टीथ को और क्या बोला जाता है बच्चों, चीक टीथ भी बोला जाता है इनको। चीक टीथ क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, दीज आर मेंट फॉर चूइंग एंड क्रशिंग दी फूड, सेम वही फंक्शन हुआ, फूड को चबाने के काम में आते हैं। दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप, प्रीमोलर ट्राइंगुलर थे, ये कैसे होता है, रेक्टेंगुलर होते हैं। प्रीमोलार्स एंड मोलार हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने का काम होता है। इन मैमल्स एक्सेप्ट प्रीमोलार एंड लास्ट मोलर ऑल टाइप ऑफ टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन दी लाइफ। भाई हमारी बात कर रहा है मैमल्स के अंदर कौन से, एक्सेप्ट प्रीमोलर, जितने भी प्रीमोलर हैं उनको छोड़ के, एंड लास्ट मोलर उनको छोड़ के, सारे टीथ लाइफ में दो बार आते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रीमोलर है और लास्ट मोलर है वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही आएगा। टीथ विच अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ, जो बचपन में आ गए भाई उनको मिल्क टीथ बोला जाता है। टेम्पररी टीथ भी बोला जाता है, लैक्टेल टीथ, डेसिड्यूअस टीथ या फिर प्राइमरी टीथ। तो क्या क्या टर्म हम यूज कर सकते हैं इनके लिए, हमारे पास आ गया बच्चों देखो मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ, लैक्टेल टीथ, डेसिड्यूअस टीथ या फिर प्राइमरी टीथ बोला जाता है, जो कि बचपन में आते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स दीज मिल्क टीथ आर शेड देन परमानेंट टीथ अपीयर्स। तो भाई एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का एक्चुअल मतलब होता है बच्चों बोन ईटिंग सेल्स, बोन को खाने वाले सेल्स। तो इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल की वजह से ही हमारे पास जो मिल्क टीथ होते हैं वो शेड करते हैं और उनकी जगह पर क्या आता है, परमानेंट टीथ अपीयर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज इज डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन हैज दी फॉलोइंग फीचर, ह्यूमन डेंटिशन के फीचर क्या क्या है, सबसे पहला देखो मोनोफायोडोन, द टीथ विच अपियर्स ओनली वंस इन द लाइफ, एग्जाम्पल हमारे प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, वो कैसे होते हैं, मोनोफायोडोन। बट डायफायोडोन्ट क्या होते हैं, द टीथ विच अपियर्स ट्वाइस इन दी लाइफ, जो लाइफ में दो बार आते हैं उनको डायफायोडोन्ट बोला जाता है। तो कौन से होंगे भाई, इन दोनों को छोड़कर जो भी टीथ बच गए वो कौन से होते हैं, डायफायोडोन्ट। तो कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स, ये कैसे होते हैं, डायफायोडोन्ट, लाइफ में दो बार आएंगे, एक तो आएंगे मिल्क टीथ और दूसरे कौन से आएंगे, परमानेंट टीथ। नाउ सेकेंड वी हैव थीकोडोन। थीकोडोन्ट का मतलब क्या होता है, द टीथ विच आर प्रेजेंट इन दी बोने सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सो भाई जो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट कंडीशन बोला जाता है। ह्यूमंस एंड क्रोकोडाइल के अंदर ये थीकोडोंट कंडीशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव हेट्रोडोंट, व्हेन टीथ आर डिफरेंट टाइप, व्हेन टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो भाई हमारे अंदर फोर टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सारे अलग अलग हैं स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन के अंदर, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट। सो ह्यूमन के अंदर बच्चों बेसिकली क्या मिलता है, डायफायोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और कुछ टीथ के अंदर क्या मिलता है, मोनोफायोडोंट मिलता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास डेंटल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो डेंटल फॉर्मूला भाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एक जॉ बोन है बच्चों, जो डायग्राम में दिखाई गई है आपको, जॉ बोन के अंदर अगर मैं एक हाफ की बात करूं ऑफ वन हाफ, सो इफ दिस इज दी वन हाफ ऑफ द जॉ बोन, तो यहां पर तो जो हमारे पास टीथ प्रेजेंट है ये कौन कौन से, दीज आर द इंसीजर, दो इंसीजर हुए, एक कैनाइन हुआ, दो प्रीमोलार हुए और तीन हमारे पास क्या हुए, मोलार हुए। सो डेंटल फॉर्मूला के अंदर अपर हाफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, हाफ ऑफ दी वन जॉ बोन, और दूसरा लोअर हाफ रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ दी अनदर बोन। अब अगर आप चाइल्ड के अंदर देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, अगर हम सिंपली देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होगा 2102, 2102 मींस इंसीजर 2 होंगे,
कैनाइन एक होगा, प्रीमोलार्स एबसेंट होंगे, और मोलार्स कितने होंगे? टू होंगे। हाफ जो के बारे में ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, अनदर हाफ के बारे में ये वाला रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल टीथ कितने हो गए बच्चे, अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें? हमारे पास 2 2 4 1 5, 5 5 टोटल 10। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी वन जो। अगर दोनों की अगर हम बात करें तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 20 टीथ आर देयर। तो ये हमने चाइल्ड के बारे में बताया। अब इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास 17 ईयर ओल्ड के अंदर फॉर्मूला क्या बनने वाला है बच्चों? फॉर्मूला होगा 2 1 2 2। टोटल टीथ कितने आएंगे? 28। अडल्ट के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होगा क्या होगा? 2 1 2 3 इज द फॉर्मूला एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ विल बी 32। तो ये हमारे पास हुआ डेंटल फॉर्मूला। अगर अडल्ट के अंदर डेंटल फॉर्मूला हम लिखें तो क्या होने वाला है? 2 1 2 3, 2 1 2 3। और अगर 17 ईयर ओल्ड के बारे में बात करें सो 2 1 2 2, 2 1 2 2। रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। दैट्स इट। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्या? टीथ।